हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल हम लोगों की सीरीज चल रही थी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की जहां हमने लास्ट एपिसोड में आपको छोड़ा था एक क्वेश्चन के साथ मैंने कहा था इसे आप होमवर्क में कीजिएगा तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन किया और क्यों बच्चों को उसमें दिक्कत आ रही है ठीक है क्वेश्चन दिक्कत आने वाला था क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपने कभी अप्रोच नहीं किया है तो जब अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की बात होती है तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं और इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको होमवर्क ले दिया था इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे इसकी बात देख लेते हैं ठीक है जिन लोगों का हो गया है वो प्लीज टैली कर लीजिएगा कि क्या उनका आंसर यही आ रहा है तो देखो क्या है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पीपल वर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ क्या कुछ लोग बैठे हैं एक रो में और वो कहा देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ तो मैंने कुछ लोग बैठा दिए नॉर्थ में लेकिन अब वही समस्या इससे पहले वाली वीडियो में मैं इससे पहले से पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूं आपको अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में हमें यह नहीं पता चलता कि हमें बैठाने कितने हैं हम तो बस एक डिजाइन तैयार कर रहे हैं कि भाई ऐसे बैठे कि एक लाइन में बैठे हैं और सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं जब सब उत्तर की तरफ देख रहे होंगे तो सबका दाया कि राइट ही होगा और बाया ही होगा यानी कि लेफ्ट ही होगा ठीक है इतना हमें समझ में आता है बैठा नहीं सकते लेकिन आगे उसने क्या बोला कहता है ई हु वॉज टू द राइट ऑफ जी was सिटेड एट सिक्स पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ई जो कि जी के दाएं बैठा है अब उसने एक चीज बोली ई जी e, के दाएं बैठा है अब जी जहां भी होगा बेटा तो वो भी तो नॉर्थ में देख रहा होगा क्योंकि अगर इसी लाइन में बैठा है तो नॉर्थ में देख रहा होगा और ई e, जो है वो जी के दाएं बैठा है जी के दाएं यानी इधर कहीं अब उनके बीच में कितने लोग हैं छह लोग हैं सात लोग हैं आठ लोग हैं या है भी कि नहीं है हो सकता है जीरो लोग हों हमें नहीं पता जीरो वन टू कितने भी हो सकते हैं कुछ नहीं जानते हम हमें बस ये पता है कि जो ई e है वो जी के कहा बैठा है राइट टू द जी बैठा है जी के राइट में कहीं बैठा है अब वो क्या बोल रहा है कहता है E के बारे में कि एंड वॉज जो E है एट सिक्स पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड E G के तो राइट में है और लेफ्ट एंड से यानी बाएं छोर से लाइन के बाएं छोर से छठवें स्थान पर भी है लाइन के अगर बाएं छोर से छठवें स्थान पर है मान लेते हैं लाइन यहां से स्टार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां पर ई e को बैठा देते हैं क्योंकि उसने बोला छठे स्थान पर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छठे स्थान पर है और जी के तो दाएं है ही यानी कि जी यहीं कहीं है अब जी यहाँ भी हो सकता है यहां भी, 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 भी हो सकता है लेकिन वो जी जो है, है, तो है। इनमें से किसी भी पांच जगह में से हम जी को बैठा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं बैठा देना है ई के इधर कितने लोग हैं अभी भी नहीं पता ई के इधर का कुछ पता ही नहीं हमें दो है चार है आठ है कितने भी हो सकते हैं ठीक है आगे क्या बोलता है अब आगे कहता है वर Not more than 15 people, है इस रो में पंद्रह लोगों से अधिक लोग नहीं हो सकते इसका मतलब पंद्रह से अधिक नहीं हो सकते, तो पंद्रह तो हो सकते हैं चौदह तो हो सकते हैं तेरह तो हो सकते हैं बारह तो हो सकते हैं ग्यारह तो हो सकते हैं तो है, और कोई भी और आंकड़ा यानी कि पंद्रह से अधिक नहीं होंगे लेकिन पंद्रह और पंद्रह से नीचे वाली कोई भी वैल्यू के लोग हो सकते हैं इसका मतलब यह है कि इस रो में पंद्रह से ज्यादा लोग नहीं बैठाने आपको चाहे कुछ हो जाए पंद्रह से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकते पंद्रह बैठा सकते हो चौदह बैठा सकते हो तेरह बैठा सकते हो बारह बैठा सकते हो लेकिन पंद्रह से ऊपर नहीं बैठाने यानी मैक्सिमम लिमिट है पंद्रह लोगों की ठीक है आगे उसने क्या बोला आगे वो कहता है जे वॉज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ के जे के के तुरंत बाएं बैठा है अगर जे के के तुरंत बाएं बैठा है तो के जहां भी होगा नॉर्थ में देख रहा होगा जे के के तुरंत बाएं तुरंत बोला है इसलिए मैंने बैठा दिया कि भाई जे के के तुरंत बाएं हैं अब जहां भी के होगा हो सकता है यहां हो हो सकता है यहां हो हो सकता है यहां हो सकता है कहीं भी हो सकता है तो जहां भी के होगा उसके जस्ट बाएं आपको जे को बैठाना उनके बीच में कोई और व्यक्ति नहीं आना चाहिए ठीक है फिर है एफ वॉज एट वन ऑफ द एंड बट नॉट एडजेसेंट टू एच एफ रो के यानी कि लाइन के किसी छोर पर बैठा है जो एफ है वो लाइन के किसी छोर पर बैठा है लाइन के कितने छोर होते हैं एक लेफ्ट और एक राइट right. ठीक है दो ही छोर होते हैं और एफ कह रहा है कि मैं बैठा हूं किसी छोर पर अब वो कौन सा छोर है हमें नहीं पता इट कैन बी लेफ्ट इट कैन बी राइट दोनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन वो कह रहा है मैं जिस भी छोर में बैठूं मुझे एच के बगल में मत बैठाना एफ एक और बात कह रहा है कि मैं जहां भी बैठूंगा लेकिन मेरे बगल में कभी कौन नहीं बैठना चाहिए एच बगल का मतलब होता है इमीजिएट ना तो इमीजिएट लेफ्ट में ना तो इमीजिएट राइट right में यानी दो छोड़कर तीन छोड़कर भी बैठे एच लेकिन उसके तुरंत बगल में नहीं बैठना चाहिए एडजस्टन नहीं होना चाहिए ठीक है फिर वो बोल रहा है आपसे नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ आई इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ इट या टू द लेफ्ट ठीक है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसने ये लाइन समझ ली वो सब समझ जाएगा उसने बोला जो आई है आई के बाएं आई जहां भी होगा बैठो तो, देख तो नॉर्थ में रहा होगा आई के बाएं जितने भी लोग लोग बैठते हैं उतने ही लोग, आई के उन, उन उस, उस संख्या के लोग का ट्वाइस कहां बैठते हैं आई के दाएं आई के दाएं बैठने वाले जो लोग हैं वो आई के बाएं बैठने वाले से दो अधिक हैं या दो गुना है तो मान लो यहां आई के लेफ्ट में एक्स बैठते हैं तो आई के दाएं यानी राइट में कितने बैठेंगे टू एक्स इस लाइन को समझे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं लाइन यही है ध्यान से देख लो नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ आई इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ आई आई के बाएं बैठने वाले आई के बाएं बैठने वाले आई जहां भी देख रहा होगा उसका बाया इधर ही होगा सबका बाया इधर ही है आई के बाएं मान लो एक्स लोग हैं क्योंकि हम तो जानते ही नहीं वो जीरो लोग हैं तीन लोग हैं पांच लोग हैं है, हमें नहीं पता कह क्या जितने लोग आई के बाएं बैठे हैं उतने ही लोग उसका डबल उसके डबल लोग उसके डबल लोग यानी टू एक्स कि, कहां बैठे हैं आई के दाएं दाए उसके डबल लोग आई के दाएं बैठे यानी आई के बाएं का पता चल जाए तो दाएं बैठाना आसान होगा कि भाई दाएं उसके दो गुना लोग बैठ जाएंगे ट्वाइस ठीक है थाईस होता तो तीन गुना हो जाता ठीक है अच्छा फिर क्या बोलता है कहता है देयर वर एट पीपल सिटेड बिटवीन जी एंड एच जी और एच के बीच में आठ लोग बैठे हैं अब जी और एच के बीच में आठ लोग बैठे हैं लेकिन जी लेफ्ट में है राइट में है एच के या एच लेफ्ट में है इसके कुछ नहीं पता और आगे बोलता है नो थ्री पीपल वर सिटिंग टूगेदर आर नोन ये इंपॉर्टेंट लाइन है कह रहा है नो थ्री पीपल आर सिटिंग टूगेदर आर नोन कह रहा है ये जितने भी लोगों के बारे में हम आपको बता रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसे तीन लोग नहीं होंगे कोई भी ऐसे तीन लोग नहीं होंगे जो नोन हो और एक साथ बैठे हो कहने का मतलब कहने का मतलब मान लो यहाँ पे ई है और मान लो यहां पे मैंने कोई बंदा बैठा दिया जे और यहां पे बैठा दिया के तो कभी नहीं हो सकता ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये तीन लोग नोन है नोन मतलब जिनका नाम भी पता हो आपको ठीक है तो ऐसा नहीं आपस में नोन वो कह रहा है जो भी लोग हैं जो आप जिनको जानते हो या जो लोग नोन है जिनके नाम उन्होंने बताए हैं वो उनमें तीन लोग एक साथ कभी नहीं बैठ सकते दो बैठ सकते हैं ठीक है एक बैठ सकता है लेकिन तीन लोग एक साथ नहीं बैठेंगे तीन का पेयर कभी बनेगा ही नहीं ये है इस लाइन का मतलब ठीक है जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो ध्यान से समझना कि तीन कोई भी नौ लोग एक साथ नहीं बैठ सकते ठीक है भाई यह भी एक शर्त है अब कहता है सेकेंड राइट right e. right नहीं है किसके ई e के अगर जे ई e के सेकेंड राइट right नहीं है तो ई e जहां भी होगा ई e के सेकेंड राइट यानी एक और दो यहां पर जे कभी भी नहीं होगा यही कहने का मतलब है उसका जे कभी भी ई e के सेकेंड राइट right नहीं होगा तो ये तो थी हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब बात करते हैं कि मैम शुरू कहां से करें इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है बस ये दिया है कि ई है अब शुरू से करें देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि कहां से शुरू करना चाहिए तो पहले तो यह होता है कि ऐसे क्वेश्चन में इस चीज का पता लगाना बहुत जरूरी है अगर ये पता होता कि है कितने बंदे हैं तो यह क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता लेकिन जब यह क्वेश्चन पता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाओ क्या दिमाग लगाओगे अगर मैं आपसे बोलूं आपको पता है कि पंद्रह लोग मैक्सिमम हो सकते पूरी रो में पंद्रह लोग लेकिन एक लाइन दी थी उसने कि जी और एच के बीच में कितने लोग हैं आठ जी और एच के बीच में कितने लोग हैं आठ जी और एच के बीच में आठ लोग हैं अगर मैं टोटल लोग मान लूँ कि इतने ही हैं आठ इनके बीच में मिनिमम आठ आठ तो है इनके बीच में और जी और एच को भी इंक्लूड कर दूँ तो कितने हो गए मिनिमम मिनिमम हो गए मैम दस आठ तो ये है ही इनके बीच में और ये कोने में बैठे हैं ये कन्फर्म है कौन लेफ्ट में कौन राइट में उससे हमें मतलब नहीं है पर जी और एच के बीच में अगर आठ लोग बैठे हैं तो इन सबको इंक्लूड करूं तो आठ और दो दस दस तो यही हो गए इसका मतलब मिनिमम इस रो में दस को बैठना जरूरी है बिल्कुल है दस तो बैठेंगे बैठेंगे भाई दस से कम में तो काम ही नहीं चलेगा लेकिन फिर उसने बोला था कि एक एंड पर है उसने ये बोला था कि एफ जो है किसी एंड पर है एंड मतलब छोर पर मतलब किसी एक एंड पर यानी किसी एक एंड पर है तो ये दोनों अगर मैं बोलूं कि भाई लाइन इतनी थी और यही दोनों थे एंड पर तो ये तो काम नहीं चलेगा एक एंड पर किसको बैठाना पड़ेगा एफ को यानी कि या तो जी के इधर एफ होगा या तो एच के इधर कहीं एफ होगा जो भी होगा लेकिन इतना कन्फर्म है कि एफ एक एंड पर है तो यहीं पर तो लाइन खत्म नहीं हुई होगी एफ का आना भी जरूरी है इसका मतलब दस तो ये हो गए और एक हो गया एफ यानी ग्यारह लोग तो मिनिमम आपको बैठाने ही हैं, ठीक है ठीके? जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से सुनो मेरी बात उसने आपको बोला कि इस रो में आपको फलाना फलाना ये तरीके हैं और आपको बंदे बैठाने हैं उसमें मैं आपको कह रही हूं कि आप ये पता करो कि इस पूरी रो में कितने बंदे बैठ सकते हैं या कितनी लाइन अगर मुझे ये पता चला कि इतने लोग हैं तो मुझे बैठाना पॉसिबिलिटी निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा तो मैंने क्या किया मैंने देखा कि भाई आठ लोग तो यही है मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग इन्हीं के बीच में आठ जी और एच के बीच में जी और एच कहाँ है मुझे उससे मतलब नहीं है लेकिन जी और एच के बीच में आठ लोग हैं यानी आठ लोग तो ये होंगे ही होंगे ये तो कन्फर्म है क्वेश्चन में ही दे रखा है और दो ये कोने में यानी कि इनके बीच में ही तो है तो अगर इनको भी इंक्लूड कर दूं तो दस तो ये होंगे होंगे फिर मैंने कहा दस लोग नहीं होंगे मिनिमम कम से कम ग्यारह तो होंगे होंगे क्यों क्योंकि एफ ने कहा है मैं एक एंड पर बैठा हूं और किसी भी लाइन के एंड पर मैं जी और एच को जी को भी एंड पर बैठा दू एच को भी एंड में बैठा दू मान लो यहां मैं जी बैठा दिया यहां एच बैठा दिया मैंने कहा इनके बीच में आठ लोग हैं तो भाई फिर एक एंड पर तो एफ भी होना चाहिए इसका मतलब या तो इधर वाले एंड पर होगा या तो इधर वाले एंड पर होगा यानी कि एक मिनिमम बंदा एफ भी है उनके साथ यानी कि आठ और दो दस और एक ग्यारह ग्यारह लोग तो होंगे ही होंगे चाहे कुछ हो जाए अब जरा बहुत आराम से समझना मेरी बात को अगर ग्यारह लोग होंगे ही होंगे ये फिक्स है तो ग्यारह लोगों के हिसाब से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ग्यारह ई तो नहीं हिलेगा यहां से क्योंकि ई तो कह रहा है मैं लेफ्ट से छठे नंबर पे हूँ ये उसने साफ साफ बोल दिया है अब जब मैं ग्यारह लोग यहाँ बैठा दूंगी और मैं कह रही हूँ ग्यारह लोगों से करते हैं हो सकता है ग्यारह से हो जाए ग्यारह से नहीं होगा तो हम बारह पे जाएंगे बारह से नहीं होगा तो हम तेरह पे जाएंगे तेरह से नहीं होगा तो हम चौदह पे जाएंगे चौदह से नहीं होगा तो हम पंद्रह पे जाएंगे लेकिन इससे ऊपर हम नहीं जा सकते अब समस्या होती है कि मैम पहले ग्यारह के लिए फिर बारह के लिए तेरह के लिए चौदह के लिए ऐसे चेक करते रहेंगे तो देखो आपको एक रामबाण दिया है पेनेशिया दिया है आपको ये आई वाली लाइन आई को ऐसी जगह बैठाओ इस रो में अगर इस रो में टोटल ग्यारह लोग हैं कन्फर्म है ये बात अगर ये फिक्स है क्योंकि अगर पता चल जाए कितने लोग हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर ये फिक्स बात है कि ग्यारह ही लोग हैं इस पूरी रो में तो आप आई को बैठाओ अगर आई की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आई ऐसी जगह बैठाना है कि आई के बाएं जितने भी लोग हों उसके दाएं उससे डबल लोग होने चाहिए आई के बाएं यानी लेफ्ट में जितने भी लोग हों उसके दाएं उससे डबल लोग होने चाहिए अब मैंने कहा मान लो आई आए फॉर एग्जाम्पल अगर आई यहां है तो आई के बाएं कितने लोग हैं एक तो क्या आई के दाएं दो ही लोग हैं नहीं यानी मैं बेकार में यहां दिमाग लगा रही हूं आई को यहां बैठाने का कोई सेंस ही नहीं आ गया क्यों अगर आई के इधर कितने है? दो तो आई के इधर चार होने चाहिए ये तो ज्यादा हो गए अगर मैं आई को यहां बैठा दू आई के इधर कितने है? तीन तो इधर कितने होने चाहिए छ लेकिन यहां कितने यहाँ तो सात है मैंने कहा आई यहां भी नहीं होगा आई को यहां बैठा दो अगर आई यहां है तो आई के यहां कितने है? चार चार तो चार का डबल कितना होता है आठ तो यहां आठ लोग हैं क्या नहीं है अगर मैं बोलू आई यहां है अब ये संख्या बढ़ती जाएगी अब ये बैठ ही सकता आई कहीं आई यहां हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ई है ऑलरेडी मैं कहूं आई यहाँ है अगर आई यहाँ है तो एक दो तीन चार बाएं तो ज्यादा हो गए दाए कम है इसका मतलब अब उसको बाएं खिसकाने का कोई फायदा नहीं है तो यानी ग्यारह लोगों में कभी नहीं हो सकता अब बच्चे कहेंगे ग्यारह से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि मिनिमम ग्यारह तो होंगे ही होंगे आठ नौ दस ये और एक एफ ग्यारह तो होंगे ही होंगे अब मैंने इस संख्या को क्या किया बच्चे एक बढ़ा दिया यानी कि अब मैंने बारह के लिए चेक किया ग्यारह से तो हो नहीं रहे बारह के लिए चेक किया बारह के लिए अगर चेक करूं तो आई यहां 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 तक तो अब कभी नहीं आएगा क्यों क्योंकि अगर आई यहां आ गया मान लो मैं सबसे मैक्सिमम ले रही हूं तो यहां कितने लोग हैं चार अगर यहां चार हैं तो उधर आठ होने चाहिए तो एक दो तीन चार पांच छह सात एक दो तीन चार पांच छह सात आठ होते तो बात बन जाती क्योंकि चार का डबल आठ होता है इसलिए आई यहां नहीं आएगा इधर आता तो भी इधर की संख्या ज्यादा हो जाती आई इधर आ नहीं सकता क्योंकि यहां ई है इधर अगर आई आ जाए फॉर एग्जाम्पल यहां आई आ जाए तो एक दो तीन चार पाँच इधर हैं तो उधर तो बारह होने चाहिए और जैसे जैसे आगे खिसकेगा इधर की संख्या बढ़ती जाएगी और उधर की घटती जाएगी इसलिए बारह लोगों में भी काम नहीं चलेगा एक और बंदा बहना दिया यानी कि बारह से भी चेक कर लिया तेरह कर दिए तेरह कर दिए अब ऐसे नहीं कि पहले बारह करके सबको बैठा रहे हो तब जाके बता रहे हो नहीं आप आई इसके हेल्प से बता सकते हो अगर तेरह कर दूँ तो मैंने कहा अगर मान लो आई यहाँ है क्योंकि यहाँ रह के तो काम चलेगा नहीं अगर आई यहाँ है तो एक दो तीन चार इधर चार हैं चार का डबल क्या होता है आठ तो इधर आठ होने चाहिए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हुआ कि नहीं हुआ इधर कितने थे चार चार का डबल कितना होता है आठ तो आई के दाएं आठ हैं कि नहीं है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बिल्कुल ये आठ लोग हैं टोटल ई को मिलाकर इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है अब हम इन्हें बैठाते हैं अगर ये आराम से बैठ गए बिना किसी दिक्कत के तो आंसर है कि भाई उस रो में तेरह लोग हैं ठीक है अगर नहीं बैठ पाया तब हम चौदह पे जाएंगे अगर चौदह में भी कंडीशन सर्टिफाई नहीं हुई तो फिर पंद्रह में जाएंगे फिर तो आंसर ही पंद्रह होगा कि टोटल लोग पंद्रह हैं फिर एग्जाम लोग कुछ भी पूछे उसमें ठीक है बैठाने लगा है तो मैंने ये बैठा दिए चलो अब मुझे पता है कि इनमें से एक सीट जी की भी है इतना पता है मुझे इनमें से एक सीट जी की है अब जी की अगर इनमें से एक सीट है तो वो ये भी हो सकती है ये, ये, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है कि नहीं क्योंकि जी के दाएं ई बैठा है तो बेटा वो सीट कभी भी ये तो हो नहीं सकती वो इनमें से कोई हो जाएगी इन तीनों में से लेकिन ये नहीं हो सकती अगर जी यहाँ आ गया तो उसने कहा था तीन लोग एक साथ कभी नहीं बैठ सकते नोन तो जी आई ई तीन एक साथ हो जाएंगे फिर इसलिए मैंने ये वाली लाइन छोड़ दी अब मुझे पता है कि भैया जी का तो इन्हीं के इन्हीं कहीं होगा यहीं कहीं या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ ठीक है इनमें से कहीं जी होने वाला है ठीक है भाई क्लियर है अब अगर इनमें से कहीं जी होगा तो भाई जी को या तो यहां दो या तो यहां तो तो जी को जब बैठाओगे तो जी और एच में कितने का गैप आना चाहिए आठ का इसका मतलब एच उधर कहीं है क्योंकि अगर जी इनमें से कहीं है तो एच आठ के गैप के बाद आ, जी एच जो है वो आठ के गैप के बाद उधर कहीं होगा ठीक है अब मान लेती हूं मैं कि जी अगर शुरू की तीन जगह में कहीं भी हो सकता है जी तो मान लिया जी आए फॉर एग्जाम्पल मैंने माना है ये तो मैंने कहा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ यहां मेरा एच होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर जी यहां है जी की पोजिशन चेंज होगी तो एच की भी चेंज होगी अगर जी यहां है तो तीन पांच छत आठ यहाँ एच होना चाहिए बैठा दिया मैंने एच ठीक है अच्छा एच बैठाने के बाद जब मैंने एच बैठा दिया मैं जानती हूं कि एफ कह रहा था मैं एंड पे हूं तो एफ ए की एंड बचा क्योंकि इस एंड पे तो जीने लगी ले ली जगह यहां पर एफ को बैठा दिया अब इनको बैठाने के बाद इसको उठाती हूं मैं क्यों क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं तो कोई भी ऐसी सीट जहाँ एक साथ हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे तीन लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नहीं तीन तक भी नहीं बैठ सकते तीन लोग एक साथ कभी नहीं बैठ सकते अगर मैं जे और के को यहाँ ले आऊँ क्योंकि जहां भी आएंगे दोनों एक साथ आएंगे तब तो चार -तो लोग एक साथ हो जाएंगे एच जे के और एफ तो बेड़ा गर्क अगर गर? मैं यहां बैठा दू जे और के को यहां मैं जे को बैठा दूँ और यहां मैं के को बैठा दूँ तो भी तीन लोग एक साथ हो जाएंगे ये यहाँ भी नहीं बैठ सकते अब मैंने कहा ठीक है यहां नहीं बैठ सकते तो थोड़ा और आगे अगर मैं यहां जे को बैठा दूँ यहां के को बैठा दूँ तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तब यहां तो चार लोग हो जाएंगे इसका मतलब जे और के यहां भी नहीं आ सकते यानी जे और के के लिए तो सारे रास्ते ही बंद हो गए अब मैंने कहा अब कहां बैठा हूं जे और के को अब कहां बैठा हूँ तो मैंने कहा एक सीट बची इधर कहीं अगर जे और के यहां आ गए तो भी तीन लोग एक साथ हो जाएंगे अगर जे और के यहां आ जाए तो फिर से चार लोग एक साथ हो जाएंगे यानी जे और के तो बैठ ही नहीं सकते इसका मतलब आपने गलत बैठाया है और आपने गलती क्यों करी गलती तो यहीं से हुई क्यों क्योंकि आपने जी को इधर बैठा दिया था अब जी इधर नहीं है अब जी के लिए दो ही जगह बची अब मान लो जी आए अगर जी आए तो एच खिसकेगा आगे बिल्कुल एक दो तीन चार पांच छः सात आठ ये हो गया एच एफ की बात कर रहा था कि एफ कोने पर है एफ इस कोने पर भी हो सकता है इस कोने पर भी क्योंकि एफ जी के बगल में तो हो सकता है ना एच के बगल में नहीं है जी के बगल में तो हो सकता है एक बार मैंने एफ को यहाँ बैठा दिया तो मैंने देखा यहाँ जी और के नहीं आ सकते जे और के यहां भी नहीं आ सकते क्योंकि फिर पांच लोग एक साथ हो जाएंगे यहां भी नहीं आ सकते ठीक है अगर मैं बोलूं कि यहां जे और के को यहां बैठा देते हैं तो इधर भी एक जगह खाली हो जाएगी इधर भी लेकिन अगर जे और के मैंने यहां बैठा दिया तो नुकसान यह है कि उसने ये भी बोला है कि ई के दाएं दूसरे नंबर पर जे नहीं हो सकता ई के दाएं दूसरे नंबर पर जे हो रहा है यह भी गड़बड़ हो जाएगी फिर मैंने कहा ठीक है क्या जे और के यहां आ सकते हैं जे और के अगर यहां आ गए तो तीन लोग एक साथ हो जाएंगे और बाकी आगे कोई जगह बची नहीं बाकी आगे कोई जगह बची नहीं तो मैंने कहा एक काम करते हैं एफ को यहां ना बैठा कर एफ को उठाकर इधर ले आते हैं क्योंकि एफ तो कोने में है तो एक बार जी यहां बैठाया तो एक बार ये इधर कोने में तो इस बार यहां बैठा देते हैं कोई दिक्कत नहीं जे और के यहां आ नहीं सकते क्योंकि एक साथ आ जाएंगे बहुत सारे लोग यहां नहीं आ सकते यहां आने के लिए मना कर दिया ठीक है अब मैंने कहा जे और के यहां आ सकते हैं अगर जे और के यहाँ आ जाएंगे फिर तीन हो जाएंगे ये भी सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी है ना कि जे और के यहां आ गए मैंने कहा फिर क्या करें कह रहा जे और के उधर भी नहीं आ सकते मैंने कहा इसका मतलब एफ यहाँ भी नहीं है इसका मतलब एफ यहाँ नहीं यहाँ नहीं जी भी यहाँ नहीं आ सकता अब जी के लिए एक ही जगह बची है ये और इससे आंसर आ जाना चाहिए फिक्स ठीक है अब मैंने जी यहाँ बैठाया एच थोड़ा और आगे गया खिसके का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है आठ के गैप के बाद एच आ गया ये ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लाना पड़ता है थोड़ा ठीक है तो एच यहाँ आ गया ये साफ क्यों नहीं हो रहा है आ गया एफ एच के बगल में नहीं है यानी इस एंड पे नहीं है तो एफ हंड्रेड परसेंट यही होगा बची बात किसकी जे और के की तो जे और के इधर तो आ नहीं सकते इधर भी नहीं आ सकते इसके बाजू में नहीं आ सकते जे यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसने बोला है कि ई e के सेकेंड राइट में जे नहीं है अगर जे आनी है तो के यहाँ नहीं हो सकता ठीक है तो मैंने एक ही जगह ढूंढी यहाँ जे यहाँ के उससे आगे जे आ, आ ही नहीं सकता आएगा तो फिर तीन एक साथ हो जाएंगे जे और के फिक्स हो गए तो जे और के भी फिक्स हो गए कहीं पे भी तीन लोग एक साथ हैं ये जी यहाँ है ठीक है इसको यहाँ मत समझ लेना यहाँ जगह खाली है ठीक है तो तीन लोग एक साथ भी नहीं आए ई जे के सेकेंड राइट में भी नहीं है थर्ड राइट में थर्ड राइट हो सकता है पंद्रह से पंद्रह पंद्रह से कम लोग ही हैं ठीक है तेरह में काम बन गया है आई के इधर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जी और के में आठ बंदों का गैप आ गया एच के बगल में एफ नहीं बैठा एफ एक एंड पर भी बैठा है तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड और ये होगा आपका आंसर यानी कि आपके टोटल बैठेंगे तेरह लोग अगर इससे कंडीशन सेटिस्फाइड ना होती तो मैं चौदह लेती उससे भी ना होती तो मैं पंद्रह लेती उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उसके बाद तो आंसर आना ही पड़ता क्यों क्योंकि उससे ज्यादा हम लिमिट नहीं बढ़ा सकते आप चौदह रखोगे चौदह में भी नहीं आएगा ई आई वाली कंडीशन सेटिसफाई करानी होती है पहले ठीक है कि इसके अदर ट्वाइस हो चाहिए इसके अदर इतने होने चाहिए वो कंडीशन आपको सेटिसफाई करानी है तो फटाफट इसे पेन डाउन कीजिए ठीक है और बाकी लोग जो सोच रहे हैं कि मैम बाकी लोग क्यों नहीं बैठे तो बेटा बाकी लोग है ही नहीं क्वेश्चन में बाकीों का जिक्र ही नहीं किया था तो जिन लोगों का जिक्र किया होता है उन्हें बैठाते हैं सबके नाम नहीं देता एग्जामिनर इसमें ठीक है इस चीज का खास ध्यान रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके ये पेन डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है uh, कहता है अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टूडेंट्स पहले मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन एक पजल है और ये पजल को बोलते हैं ग्रुपिंग की पजल ग्रुप मतलब जैसे कई बार एग्जाम में कहता है कि तीन कार हैं, उनके बीच में रेस लग रही है एक कार है फोर्ड, एक कार है मारुति एक कार है आपकी स्विफ्ट है ना उसमें कुछ लोग बैठे हैं तो आपको सेट करने होते हैं कि कितने कौन कौन सा ग्रुप कौन कौन सी कार में बैठा है तो ग्रुपिंग के क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि तीन बैंक हैं या चार बैंक हैं उनमें इतने इतने एम्प्लॉज हैं या इम्प्लॉयज का नंबर ना बताए और बोलेगा वो बंदा जो वहां दिल्ली से आता है वो उस वाले बैंक में काम करता है इस तरह के क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को जरा आराम से देखिएगा ठीक है आप में से ही किसी ने भेजा है ये भेजा है शायद शुभांकर सर ने भेजा है ये क्वेश्चन ठीक है तो चलो देख लेते हैं एस का ही है ये आपका तो देखो क्वेश्चन में क्या है अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टूडेंट्स दिस दिस लिव्स इन डिफरेंट सिटीज सिटीज तीन में रहते हैं अब देखो होता क्या है है बच्चा सोचता है कि सात लोग हैं और सिटी सिर्फ तीन है तो जब भी ऐसा हो कि कोई डाटा किसी डाटा से कम हो अगर सात लोग हैं सात ही सिटी हैं तो कोई दिक्कत नहीं अगर सात लोग हैं तीन सिटी हैं या तीन लोग हैं सात सिटी हैं ठीक है तो ध्यान रखना ऐसे में बनती है ग्रुपिंग ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीका क्या होता है वो देख लीजिएगा हमें सबसे पहले तीन ग्रुप में सिटीज को डिवाइड करना है और सिटीज कौन कौन सी है एक है हमारे पास लखनऊ ठीक है एक सिटी है हमारे पास बैंगलोर और एक सिटी है हमारे पास दिल्ली, ठीक है तीन सिटीज है हमारे पास और हमें इन तीन सिटीज में क्या करना है कुछ स्टूडेंट्स को रखना है और स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं हमारे पास हैं सात स्टूडेंट्स उन सात स्टूडेंट्स में से यह भी ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने बोला है चार लड़के हैं और तीन है लड़कियां माइनस लगाती हूं मैं फीमेल के लिए और प्लस लगाती हूं मैं मेल्स के लिए ब्लड रिलेशन पढ़ा रखा है आपको ठीक है तो उसने क्या बोला कि सात स्टूडेंट है जिनमें चार लड़के और तीन लड़कियां हैं ठीक है, है यह भी अच्छी बात है अब उसने बोला कि देर आर एटलीस्ट वन गर्ल एंड वन बॉय इन ईच सिटी हर एक सिटी में कम से कम एक लड़का और एक लड़की होंगी ही होंगी यानी कि आप इसको नहीं वो कर सकते एक लड़का एक लड़की हर सिटी में करने ही पड़ेंगे मतलब इसमें एक लड़का यानी एक प्लस एक माइनस इसमें एक लड़का और एक लड़की इसमें एक लड़का और एक लड़की ये तो फिक्स हो गया ठीक है अब हमारे पास बंदे कितने सात इनके हिसाब से तो दो, दो चार दो छः हो जाएंगे यानी एक बंदा बचेगा और वो एक बंदा इनमें से किसी एक सिटी में और रहेगा कहने का मतलब ये है कि उसने सिर्फ ये बोला कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की आप हर एक ग्रुप में बनाना तो बना दिया कम से कम ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं और हमारे पास बंदे ही कितने हैं सात और तीन सिटी में दो इसे दे दिए दो इसे दे दिए दो इसे दे दिए तो एक ही तो बचेगा और वो एक दिल्ली भी हो सकता है वो एक बेंगलोर भी हो सकता है और एक लखनऊ भी हो सकता है ठीक है ये बात समझ में आ गई चलो अब हमारे पास लड़के कितने थे चार ही तो थे चार में से एक लड़का इधर आ गया दो इधर आ गए तीन इधर आ गए ये तो फिक्स है कि तीन इधर आएंगे आएंगे तो बचेगा कौन एक लड़का और बचेगा यानी कि जो बचने वाला बंदा है वो एक लड़का है लड़कियां तीन ही थी और मिनिमम एक लड़कियां तो हर जगह आनी चाहिए तो एक लड़की दो लड़की तीन लड़की यानी अब हमारे पास कोई लड़की नहीं बची अब जो बाहर बचा होगा वो कौन होगा वो एक लड़का होगा समझ में आ रही है बात क्योंकि हमारे पास चार लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं ठीक अब वो कहता है दे बिलोंग इन डिफरेंट टू डिफरेंट कॉलोनीज वो सारे स्टूडेंट जो है वो अलग अलग कॉलोनी से हैं कॉलोनी के नाम दिए जैसे महाराजा कॉलोनी सिल्वर कॉलोनी एल्डोरा कॉलोनी हीरा कॉलोनी अजंता कॉलोनी एसआरएस कॉलोनी हॉफर कॉलोनी ठीक है बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर पर ऐसा नहीं कि आप एबीसीडी के तहत उनको नाम दे दो या आर सी डी एन जो भी दिए उन्होंने उनके हिसाब से उनको नाम दे दो अब वो कहता है कहता आर एन जी आर सिस्टर ब्रदर हु बिलोंग्स टू महाराजा कॉलोनी एंड एल्डोरा कॉलोनी रिस्पेक्टिवली अच्छा रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते हो ना कि जो पहले बोला गया है वो पहले वाले के लिए और जो बाद में बोला गया वो बाद वाले के लिए इसका मतलब उसने पहला नाम किसका लिया आर का दूसरा नाम किसके लिया जे का जी का और बोला कि आर और जी सिस्टर और ब्रदर हैं यानी भाई बहन है उनमें से सिस्टर पहले बोला और पहला नाम लिया था आर का और सिस्टर और क्या है ब्रदर हैं और उनकी सिटी उनकी कॉलोनी बताई कॉलोनी जो कि है महाराजा और एल्डोरा ठीक है रिस्पेक्टिवली बोला है यानी कि क्रमशः जिस क्रम में जो आ रहा है वो उसके लिए होगा ठीक है तो आर और जी सिस्टर ब्रदर हैं और एक महाराजा में एक आपका एल्डोरा में रिस्पेक्टिवली तो जो आगे वाली चीजें हैं वो आगे वाले के लिए जो पीछे वाली चीजें हैं वो पीछे वाले के लिए ठीक है इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली अगर रिस्पेक्टिवली ना बोला होता अगर रिस्पेक्टिवली ना बोला होता बस ये बोला होता ये ब्रदर सिस्टर है और ये फलाना फलाना कॉलोनी में रहते हैं रिस्पेक्टिवली ना बोला होता तो आर भी भाई हो सकता था ये बहन हो सकती थी या ये बहन ये भाई हमें नहीं पता होता उनमें से सिटी सॉरी कॉलोनी दोनों की कोई भी हो सकती थी हमें नहीं पता होता लेकिन रिस्पेक्टिवली बोला है ये अच्छी बात है ठीक है अब करना क्या है एंड आगे भी बोला एंड बोथ लिव्स इन डिफरेंट सिटीज कह रहा दोनों के दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं यानी इनकी सिटीज क्या है अलग अलग है शहर अलग अलग है अगर आर लखनऊ में है तो जी फिर बेंगलोर या दिल्ली में होगा अगर जी बेंगलौर में है तो आर लखनऊ या दिल्ली में होगा ठीक है तो इस तरीके से डिफरेंट सिटीज में उन्हें सेट करना है आपको अब बोलता है आपसे एन बिलोंग्स टू अजंता कॉलोनी एंड शी लिव्स इन सिटी बेंगलोर एन अजंता कॉलोनी से है और वो बेंगलोर शहर में रहती है और ध्यान रहे उसके लिए शी यूज किया है शी मतलब लड़की ठीक है एन के लिए शी यूज किया है एन के लिए बोला है कि एन अजंता कॉलोनी से है और वो रहती है बेंगलौर में तो एन यहाँ आएगी क्योंकि लड़की है और कौन सी कॉलोनी बताई उसके लिए अजंता कॉलोनी कॉलोनी का नाम है अजंता एन है लड़की है और रहती है कहां बेंगलोर में फिक्स हो गया ठीक है अच्छा मैंने प्लस में क्यों नहीं बनाया क्योंकि एन लड़की है ठीक है चलो अब वो बोलता है आगे कि सी डज नॉट लिव आइदर विद एक्स और एन सी जो है वो ना तो एक्स के साथ और ना ही एन के साथ एक्स के साथ या एन के साथ इन दोनों में से किसी के साथ भी कौन नहीं रहता या रहती सी सी जो है वो एन एक्स और एन के साथ एक ही शहर में नहीं रहेंगे ठीक है एक साथ नहीं रहते कह रहा डी इज नॉट अ बॉय डी लड़का नहीं है अगर डी लड़का नहीं है तो फिर डी लड़की है फिक्स है अगर डी लड़का नहीं है तो डी लड़की है और फिर कहता है एन बिलोंग्स टू एस आर एस कॉलोनी और कौन सी कॉलोनी को बिलोंग करता है करती है एस आर एस कॉलोनी को बिलोंग करती है एंड शी लिव्स इन डेली ओनली विद विदी और ये दिल्ली रहती है दिल्ली रहती है डी लड़की है तो माइनस में कौन सी कॉलोनी से एस आर एस से तो दिल्ली रहती है ओनली विद बी कह रहे दिल्ली रहती है केवल बी के साथ अगर ये दिल्ली रहती है केवल बी के साथ इसका मतलब इस वाले ग्रुप में या इस वाले शहर में केवल केवल कितने लोग हैं केवल दो लोग हैं यही तो मतलब हुआ भाई उसने कहा जो डी है जो कि लड़का नहीं है तो मैंने कहा लड़की है वो एस आर एस कॉलोनी से है, मैंने कहा ठीक है और कहा कि वो रहती है दिल्ली में और केवल वो बी के साथ रहती है अगर वो दिल्ली में रहती है और केवल बी के साथ रहती है यानी उस कॉलोनी में डी और बी के अलावा और कोई नहीं रहता सॉरी उस शहर में डी और बी के अलावा और कोई नहीं रहेगा समझ में आ रही है बात इसका मतलब हम सोच रहे थे कि वो चौथा लड़का जो बचा है वो कहाँ आएगा तो यहाँ तो आने से रहा क्योंकि यहाँ तो जगह भर गई अब या तो बेंगलोर में जाएगा या तो लखनऊ में जाएगा तीस जो दूसरा व्यक्ति है ठीक है जो बचा हुआ व्यक्ति है ठीक है आगे बोलते हैं कहता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सिल्वर और हीरा कॉलोनी एक्स सिल्वर और हीरा कॉलोनी से नहीं है एक्स है ना एक्स ही है ना हाँ एक्स सिल्वर कॉलोनी से नहीं है और एक्स हीरा कॉलोनी से भी नहीं है और क्वेश्चन खत्म अब यहां आती है बच्चों को दिक्कत बच्चा कहता है देखो मैम नाम भी नहीं दिए और बिना नाम बताए चले गए तो भाई देखो क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है अब लगाना है थोड़ा सा दिमाग ठीक है दिमाग लगाते हैं ग्रुपिंग का क्वेश्चन है बहुत बढ़िया तो क्या करेंगे सबसे पहले तो ये लोग सेट कर दिए अब मैं क्या उठा सकती हूँ क्या रख सकती हूँ देखो आर क्या है सिस्टर है अगर आर सिस्टर है तो आर लड़की होगी और अगर आर लड़की है तो इस ग्रुप में तो उसके लिए जगह है नहीं क्योंकि यहाँ तो डी है लड़की इस ग्रुप में भी उसके लिए जगह है नहीं क्योंकि यहाँ तो एन लड़की है आर को अगर लड़की ही बनना है और आर सिस्टर ही है तो आर इन दोनों में तो होगी नहीं तो आर के लिए एक ही जगह तो बची लखनऊ तो यहाँ कौन होगी आर आर की सिटी का नाम क्या है सॉरी कॉलोनी uh, का नाम क्या है महाराजा महाराजा उसकी कॉलोनी का नाम है अब आर ने बोला था कि मैं जहां मेरा भाई होगा उस शहर में तो मैं रहूंगी नहीं तो अगर आर लखनऊ में रह रही है

और जी की सिटी वो कॉलोनी कौन सी है एल्डोरा कॉलोनी में रहता है समझ में आ गई इतनी बात इतनी बात समझ में आ गई चलो यानी इस काम को तो हमने कर दिया डिफरेंट सिटी होनी चाहिए थी, डिफरेंट सिटी भी हो गई एल्डोरा महाराजा ये बहन ये भाई चलो बढ़िया अब उसने एक चीज बोली यहां अब जो बंदा बचा है वो इनमें से कहीं एक जगह आ सकता है उसने कहा सी जो है वो एक्स और एन वाले ग्रुप में नहीं रहता या उनकी कॉलोनी के वो उनके शहर में नहीं रहता अगर सी एक्स और एन के शहर में नहीं रहता तो एन का शहर कौन सा है बेंगलोर इसका मतलब सी यहाँ तो रहेगा नहीं इस वाले बेंगलोर में और यहाँ सी रह नहीं सकता क्योंकि यहाँ बी और डी रहते हैं ये भी हमें पता है तो सी कहाँ रहेगा सी यहाँ रहेगा और सी लड़का ही होगा क्योंकि लड़कियाँ तो हमें मिल गई तीन लड़कियाँ थी डी एन और एक्स लड़कियाँ तीन ही थी उसके अलावा हम बढ़ा नहीं सकते तो सी यहाँ होगा सी का शहर सो कॉलोनी मुझे नहीं पता ठीक है बी की कॉलोनी मैंने कहा मुझे नहीं पता तो मैंने कहा लास्ट वाला बंदा कौन है लास्ट वाला बंदा है आपका एक्स एक्स बच गया है एक्स बच गया है आप जानते हो एक्स यहां नहीं आ सकता ठीक है एक्स यहां आएगा अगर तो बेटा सी को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी क्योंकि सी कह रहा है मैं एक्स के साथ तो रहूंगा ही नहीं अगर एक्स यहां नहीं आ सकता सी की वजह से यहां उसे बी ओ डी आने देंगे तो यहीं तो आएगा और एक्स कौन होगा एक लड़का होगा क्योंकि लड़का ही बचा था हमारे पास और एक्स का शहर एक्स का शहर बात करें तो भाई हमारे है तो पास जितने भी शहर बचे हैं सॉरी जितने भी शहर बचे हैं एक्स कह रहा हैं ना हुण 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 मैं। तो मैं सिल्वर कॉलोनी से हूं ना मैं हीरा कॉलोनी से हूं तो सिल्वर से भी नहीं है हीरा से भी नहीं है सिल्वर कॉलोनी हीरा कॉलोनी से बाकी लोग तो है नहीं अब या तो सिल्वर से सी होगा और हीरा से बी होगा और या तो ये हीरा से होगा कॉलोनी से और या ये सिल्वर से होगा क्योंकि कॉलोनी का तो कुछ बताया नहीं था तो इन दोनों में से तो जो बची हुई कॉलोनी होगी वो कॉलोनी किसकी होगी वो कॉलोनी होगी एक्स की एक्स की कॉलोनी जो बची हुई कॉलोनी वो एक्स की कॉलोनी होगी मैं क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सी आप वहां से देखिए बोर्ड से तो एक्स की कॉलोनी कौन सी बची हुई हो सकती है ए की कॉलोनी बची हुई है अब वो है कौन सी कॉलोनी हॉफर कॉलोनी तो ये हो जाएगी किसकी एक्स की कॉलोनी हॉफर कॉलोनी तो यहाँ पर जाएगा हॉफर और आयदर और किस पर लगेगी ध्यान दें आइडर और लगेगी इन दोनों पर इन दोनों की जो कॉलोनी है उन पर आयदर और लगेगी अगर एग्जाम्पल पूछे तीन लोग कौन से शहर में हैं तो तीन लोग बैंगलोर में हैं दो लोग दिल्ली में हैं और दो लोग लखनऊ में हैं ये हो गए पूरे सात लोग जिनमें से जी ओ एक्स एन बैंगलोर में रहते हैं सी आर लखनऊ में रहते हैं और बी डी दिल्ली में रहते हैं सिटी की कॉलोनी की बात करें तो सी की कॉलोनी और बी की कॉलोनी में आइदर और लगेगी हीरा और सिल्वर में क्योंकि हीरा और सिल्वर के बारे में बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इसे पेन डाउन कर लीजिए और ये था ग्रुपिंग का क्वेश्चन आप लोग अब आप सामने देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए है आप लोगों के ठीक है एज का क्वेश्चन है कि आपको रिस्पेक्टिव एयर दिए ऐसा एयर वाला क्वेश्चन मैंने एक दिन कराया था आपको ठीक है पिछले वीडियो में देखिएगा कैसे अप्रोच करना है और उससे तो इजी है ये वो तो ज़्यादा टफ था तो इस तरह का क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको करना है ठीक है और ये होमवर्क होगा आपका तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ठीक है तब तक के लिए पजल्स और सेटिंग एर में अच्छे से करते रहिए और बाकी जितने एपिसोड्स कराए हैं उन पर भी ध्यान देते रहिएगा ठीक है ठीके? मैं कंट्री होती आपकी रीजनिंग फैकल्टी अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी